नमस्कार, मैं अनुष्का रथ। महाभारत सीरीज का ये चौथा एपिसोड है अंबा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वो मारे गए। उनके कोई पुत्र ना थे, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। ये जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसीलिए जब वो स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वो सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रति भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वो झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा कर तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौप देश का राजा शाल बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया। इसमें भीष्म और शाल के बीच घोर युद्ध छिड़ पड़ा। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में सौप देश के राजा शाल को अपना पति मान लिया था, इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भीष्म को अंबा की बात जची। उन्होंने अंबा को अपनी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल के पास भेज दिया और अंबा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया। अंबा अपने मनोनीत पर सौभ राज शाल के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। पर शाल ना माने। उसने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अंबा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अंबा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर अंबा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। बेचारी अंबा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता ना देख वो भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका ये कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अंबा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वो ना माना।
भीष्म ने अंबा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अंबा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अंबा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वो कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अंबा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अंबा परशुराम के पास गई। अंबा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? अंबा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अंबा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्र और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अंबा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अंबा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। यानी भीष्म को ये बात मालूम थी कि अंबा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपने वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ। अगला एपिसोड है विदुर।